अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शहज़ाद और आप देख रहे हैं आईटी क्राफ्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हैं और बाइनांस में एक एंट्री ली है मैंने, ये देख सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, बिल्कुल कुछ मिनट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने 50x मार्जिन के साथ $13 लगाए और उसका टोटल मार्जिन बना जो USDT की सूरत में वो $680 लगाए हुए हैं मैंने, ठीक है। असल में मेरे $13 लगे हुए। फौरन ही जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पर जाकर एंट्री कब ली है मैंने, 20,100 BTC जब था BTC का रेट, तो मैंने एंट्री ली है अब यहाँ पे पोजीशन पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 20,300 पर जो स्टॉप लॉस लगाया था उसका जो हिट होता तो अगर $6 का लॉस होता। अब एंट्री लिए मैंने 2,100 पे और स्टॉप लॉस मैंने लगाया 2,300 पे, ठीक है। तो ये तकरीबन $6 बन रहे हैं। इसको क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे मार्केट अब मेरी फेवर में है, ठीक है। मार्केट 3.85 दे रही है और थोड़े ही टाइम में, थोड़े से कुछ मिनट में, तो अभी मार्केट चली है 19,975, ठीक है। यानी कि ये 20,000 होगी, फिर 20,100 होगी। अब मैंने अपने स्टॉप लॉस को मज़ीद कवर करना है, अभी क्या करना है, 20,100 पे अभी $0.5 तो मेरी ट्रांजेक्शन फ़ीस होगी ना, अभी $6 भी हमने लॉस नहीं करना, तो हमने क्या करना है, 20,100 पर करते हैं तो हमें तकरीबन बराबर पड़ता है, ठीक है। हम करते हैं 20,050, तो यहाँ पे कितना हो रहा है प्रॉफिट, $1 ऑलमोस्ट, 1.75, ठीक है। आप यहाँ पर बिना प्रॉफिट के $0.5 पर भी रख सकते हैं ताकि आपको कोई भी लॉस ना हो, कोई भी प्रॉफिट ना हो और मार्केट वहाँ पर हिट कर जाए। जैसे यहाँ पे मैंने अभी 20,080 सेट कर दिए, 20,080, तो अभी जो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो होगा 0.69, यानी कि 0.50 ट्रांजैक्शन फ़ीस होगी, उसके बावजूद मुझे फिर भी 19 सेंट तकरीबन बच ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने फिर मज़ीद कवर कर लेना है अपने स्टॉप लॉस को। जैसे ही मार्केट 2-3-4 मिनट के अंदर अंदर आपकी फेवर में आती है, आपने फौरन जहाँ पे एंट्री ली थी वहीं पे स्टॉप लॉस लगा देना है, क्योंकि अभी मार्केट अगर आपने क्लोज़ नहीं करना, तो देखें अभी मैं क्लोज़ करूँ तो $4.50 मिल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मज़ीद ये नीचे आ जाए, क्योंकि इसके लिए इतना इम्पॉसिबल नहीं है, 100 और नीचे आ जाए तो यहाँ 5 की जगह 10 प्रॉफिट हो सकता है, तो ये आ भी सकती है। तो नहीं आएगी तो भी कोई इशू नहीं है, मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो ज़ीरो पे ही कट जाएगी, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। असल चीज़ है प्रॉफिट हो रहा और लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉस को रिकवर, मतलब आपने रिकवर करना है, या जो भी स्टॉप लॉस लगा के आपने लॉस नहीं करना। तो अगर मैं बिल्कुल ज़ीरो पे भी निकलता हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लॉस तो मुझे है ही नहीं, मिल रहा है तो प्रॉफिट ही मिल रहा है ना। अभी मैं चाहूँ तो क्लोज़ कर सकता हूँ 5 की जगह, अभी आपके सामने देखना $3 था, अभी $4-5 हो गया, अभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी मैं वीडियो को यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।